बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद फरहान खान अब्बासी एंड यू वाचिंग एग्जीक्यूटिव कोचिंग सेंटर्स यू ज़ूम ऑनलाइन वीडियो सेशंस। प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव कंपैरेटिवली अंडरस्टूड लॉट्स अबाउट द मेथोडोलॉजी एंड द वेज हाउ टू डू द रफ वर्क ऑफ इंग्लिश एसे। आज से ऑनवर्ड हम कोशिश ये करेंगे कि हम डायरेक्टली ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के ऊपर काम करें और नए से नए टॉपिक्स उनको समझने की कोशिश करें, नंबर वन। नंबर टू, मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करके आप लोगों के लिए कुछ नए टॉपिक्स है जिन पे काम करता हूँ, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ, उसकी आउटलाइंस बनाता हूँ। और आज मैंने एक ऐसा टॉपिक थोड़ा सा सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए जिसके बारे में पूरी दुनिया में एक ग्लोबल डिबेट चली आ रही है को पिछले 5 साल से। और आप अगर देखें तो विद द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी दुनिया में जो टारगेट किया गया है वो रिलीजन इस्लाम को किया गया है विद रेफरेंस टू एक्सट्रीमिज्म, विद रेफरेंस टू A religion of violence and hate। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा प्लूरलिज्म क्या है और उसके साथ साथ इस्लामोफोबिया क्या है, यानी इस्लामिक विजन ऑफ प्लूरलिज्म क्या है, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ प्लूरलिज्म। ऑन द अदर साइड पिछले 10-15 साल से जो दुनिया में एक नया एकेडेमिक्स इंटेलिजेंशिया और उसके साथ साथ मीडिया में एक वॉर की जा रही है इस्लामोफोबिया की, उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कोशिश मेरी ये होगी कि आप लोगों के साथ डिटेल में डिबेट आज के लेक्चर में की जाए। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम अपने टॉपिक को देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ इस्लाम provide solutions to counter the contemporary dilemma of Islamophobia। Discuss। Examiner जो है वो हमसे demand कर रहा है with reference to this topic के pluralistic vision of Islam के ऊपर बात की जाए। What is pluralistic vision of Islam? Number one। Number two, वो directly examiner हमसे Islamophobia का जो इस वक्त एक डायलेमा पूरी दुनिया में चल रहा है, इस्लाम को एक ऐसा रिलीजन ऑफ हेट, रिलीजन ऑफ टेररिज्म, और जहां मुसलमान नजर आता है ख्वातीन में हिजाब नजर आता है, मर्दों में दाढ़ी नजर आती है, मुसलमान इस्लामिक जितनी भी इबादात है उनकी प्रैक्टिसेस करते हुए नजर आते हैं, या मामलाते जिंदगी में मुसलमान कहीं पर भी स्पेशली यूरोप में, अमेरिका में, वेस्ट में देखा ही जाता है कि मुसलमानों को इस्लामोफोबिया का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है और इस्लाम को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखा जाए तो मैंने एक रफ आउटलाइन डिजाइन की है और इस रफ आउटलाइन में मैंने डिटेल में बात करने की कोशिश की है। नंबर वन, तो जैसा कि हम जानते हैं इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन और कंक्लूजन, ये हमारे किसी भी आउटलाइन के 3 कांस्टेंट होते हैं और उसके जो मिडिल पोर्शन होता है, जो बॉडी ऑफ एसे होता है, उसमें हम वेरिएबल्स या मेजर हेडिंग्स लिखते हैं जिनकी फिर सब हेडिंग्स बनाते हैं। और ऑब्वियसली बात है अगर आप गौर से देखें तो इस टॉपिक में जो मेजर एस्पेक्ट्स डिस्कस किए जा रहे हैं या जो मेजर एरिया जिनके ऊपर बात की जा रही है, एक तो प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ इस्लाम के ऊपर बात की जा रही है, व्हाट इज प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ इस्लाम, और उसके साथ साथ वो सॉल्यूशंस मांग रहा है टू काउंटर, किस चीज को काउंटर करना है जी। अगर आप गौर से देखें तो डायलेमा ऑफ इस्लामोफोबिया, ऑब्वियसली बात है कंटेम्परेरी इसके साथ एग्जामिनर ने इसलिए भी यूज किया है क्योंकि इस्लामोफोबिया की जो टर्म है आज की दुनिया में, आज के मीडिया में, आज की एकेडेमिया में बड़ी इम्पॉर्टेंट देखी जाती है विद रेफरेंस टू जहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है या फिर मुसलमानों को इनलाइज किया जाता है दैट यू आर एक्सट्रीमिस्ट।
इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल फैक्ट्स के मुसलमानों के साथ कौन सी दुनिया में ज्यादतियां की जा रही हैं। आप ईरान को, इराक को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, बॉस्निया में देखें क्या कुछ हुआ आज से 10-15 साल पहले। फिर आपको मिसाल मिलती है कश्मीर की, यानी कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन में आपको मिलती है। उसके अलावा भी सीरियन क्राइसिस आपके सामने है, ट्यूनिस में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो रहा है। इसके साथ साथ दुनिया के जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ भी मुसलमानों के साथ एक अलग हट के सलूक किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है मुसलमानों को। विद इन द इस्लामिक स्टेट्स या मुस्लिम ममालिक में भी मुसलमानों के हालात को बेहतर नहीं है। और फिर जब इसके रिएक्शंस आते हैं तो उसको मुसलमानों से नहीं बल्कि इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे प्लूरलिज्म इन इस्लाम, के इस्लाम के अंदर यानी जो दीन इस्लाम है, दीन हक है, इसमें प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट क्या हैं। और उसके बाद हम देखेंगे इस्लामोफोबिया क्या है। और फिर हम जब अपनी मेन बॉडी की जो हेडिंग्स डिस्कस करेंगे उसमें हम फिर कॉजिटिव फैक्टर्स की तरफ जाएंगे, वो कौन कौन से कॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं रोंग नोशंस ऑफ इस्लामोफोबिया को। और अगर आप देखें तो इसमें कसूर मुसलमानों का खुद का भी है, और फिर उसके साथ साथ जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड की है और वेस्टर्न मीडिया की है, वेस्ट की है। तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, प्लूरलाइजेशन किसको कहते हैं या प्लूरलिज्म टर्म का क्या मतलब है, व्हाट इज प्लूरलिज्म। तो आपको इन दो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। मैं बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ टुडेज लेक्चर दो चीजों को आपके सामने इजी करने के लिए या आप लोगों की आसानी के लिए एलैबोरेट कर देता हूं। नंबर वन, प्लूरलिज्म का मतलब है एक से ज्यादा। प्लूरल को कहते हैं, जमा को कहते हैं। और जब प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट एज एन आइडियोलॉजी आता है तो ये ह्यूमन सोसाइटी में उस एटीट्यूड के लिए आता है जिसमें कोई सोसाइटी, कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप ऑफ पीपल, कोई एक अलग आइडेंटिटी किसी और सोसाइटी, किसी और कम्युनिटी, किसी और अलग आइडेंटिटी, किसी और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलजुल कर रहने के लिए तैयार हो या मिलजुल कर रह सके। तो इसको कहते हैं प्लूरलिज्म, यानी हम गैर मुस्लिमों के साथ भी इत्तफाक के साथ रह सकते हैं, कॉपरेशन के साथ रह सकते हैं। और ये सिर्फ आज की दुनिया में नहीं है बल्कि 1442 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का क़याम किया था, बुनियाद रखी थी 53 साल की उम्र में। तो अगर आप देखते हैं कि वो जो हिजरत मदीना हुई थी और एक रियासत वहां पर बनाई गई थी, तो वहां पर बहुत से ऐसे हमें तारीख में वाकयात नजर आते हैं जहां मुसलमान ताकत में जब आ रहे थे तो इर्द गिर्द के नवाही इलाकों के रिमोट एरियाज के रहने वाले ज्यूज यानी यहूदियों के साथ मुसलमानों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें सुलह हुदैबिया एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने नजर आता है, बल्कि उस वक्त का ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चार्टर्ड है, चार्टर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स भी इसको कहा जाता है, जिसके ऊपर बहुत सी आज की यूएनओ की प्रोविजंस हैं। यानी यूएनओ का जो ह्यूमन राइट्स का एक अलग सेगमेंट है, उसकी जो मेजर प्रोविजंस है वो वहीं से ली गई है। उसके साथ साथ फिर मुस्लिम एम्पायर में अगर आप जब एक्सपेंशन का एक पीरियड देखते हैं, खिलाफत राशिदा का पीरियड देखते हैं, उसके बाद का इरा देखते हैं, तो जहां कहीं पर भी मुसलमानों ने एक्सपेंशन की है, मुसलमानों ने किसी रिलीजन को डैमेज नहीं किया, रिलीजियस इंस्टीट्यूट को डैमेज नहीं किया। यही एक वजह है कि क्रिश्चियनिटी भी उसी तरह ग्रो की, यही एक वजह है कि यहूदी मजहब के लोग भी उसी तरह ग्रो हुए, यही एक वजह है कि बर्रे सगीर के अंदर जब सब कॉन्टिनेंट में एक्सपेडिशंस किए गए तो जो हिंदू रिलीजन है, बुद्धिस्ट रिलीजन है, जैन मजहब है और इसके अलावा और बहुत से मजाहिब हैं, उनकी ग्रोथ को रोका नहीं गया। और यही एक वाहिद मिसाल हमारे सामने आती है कि आज भी इस्लाम के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुहम्मदा है, उस शरीयत मुहम्मदी के आने के बावजूद उसके बाद भी, और मुसलमानों की बहुत बड़ी एम्पायर यानी 22 लाख से 44 लाख से 65 लाख मुरब्बा मील तक की एम्पायर जो बनाई गई,
उनमें भी बाकी रिलीजन्स के साथ को एग्जिस्टेंस की पॉलिसीज को फॉलो किया गया। और आज भी जब 57 से ज्यादा इस्लामी रियासतें हैं दुनिया के अंदर या मुसलमानों के ममालिक हैं, तब भी हम को एग्जिस्टेंस के साथ इस इंटरनेशनल वर्ल्ड अरीना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल फैक्ट्स, अनटिल अनलेस मुसलमानों के राइट्स को इन्फ्रिंज ना किया जाए, मुसलमानों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। क्योंकि जब आप किसी के राइट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं तो फिर उसके पास राइट होता है वो रिएक्ट करे, उस रिएक्शन को फिर एक नई जो तर्ज दे दी जाती है, एक नया उसका फेस बना दिया जाता है और उसको फिर प्रेजेंट किया जाता है कि नाउ इट इज समथिंग दैट प्रमोटेड बाय इस्लाम। ये देखें जी इस्लाम ही है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आयात मुबारक ऑफ कुरान मजीद, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अहदीस, मिस इंटरप्रिटेशन और विदाउट एनी रेफरेंस कोट करना चीजों को और मुसलमानों के साथ उसको जोड़ना, इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में अभी बात करते हैं। तो इस्लाम में प्लूरलिज्म क्या है? तो सबसे पहले तो प्लूरलिज्म क्या होता है? लिविंग इन कॉपरेशन विद अदर रिलीजन एंड सिविलाइजेशन। याद रखिएगा, दूसरे मजाहब और दूसरी तहजीबों के साथ कॉपरेशन में रहना विदाउट लूजिंग योर ओन आइडेंटिटी, यानी इस्लाम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता और दूसरी सिविलाइजेशन के साथ रहता है। अगर रिसेंट पास्ट में इसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपको बर्रे सगीर में से दूं, तो तकरीबन 950 साल से 1000 साल तक मुसलमानों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बर्रे सगीर को कंट्रोल भी किया है, मॉनिटर भी किया है, रूल भी किया है। बट इस 1000 साल में आपको बर्रे सगीर के अंदर कभी ऐसी मिसालें नहीं मिलेंगी या कोई ऐसे बड़े वाकयात नजर नहीं आएंगे जहां पर मुसलमानों ने जंग के अलावा, क्योंकि जंग में जब आप किसी के साथ वॉर में या बैटल फील्ड में जाते हैं तो वहां पर आपने अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर शो करनी होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल वॉर्स और बैटल्स जहां पर दुश्मन का आपने मुकाबला किया डट के मुसलमानों ने, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई, जब पॉलिटिक्स की बात आई, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आई, इंडिपेंडेंस की बात आई, तो आपको मुगल डायनेस्टी में भी, तुगलक डायनेस्टी में भी, खिलजी डायनेस्टी में भी, यहाँ तक के जब आप स्लेव डायनेस्टी को देखते हैं, देदी की रियासत को देखते हैं 1206 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, तो वहां पर भी कहीं पर इम्तियाजी सलूक नजर नहीं आता कि किसी हिंदू के साथ, किसी जैन के साथ, किसी क्रिश्चियन के साथ, किसी बुद्धिस्ट के साथ कोई ज्यादती कलेक्टिवली को मेजर स्केल पे की हो। इंडिविजुअल लेवल पे अगर कहीं कोई ज्यादती होती है तो उसकी जिम्मेदार रियासत उस तरह से नहीं होती। तो सबसे पहली बात, लिविंग इन कॉपरेशन विद अदर रिलीजन और सिविलाइजेशंस, इसको प्लूरलिज्म कहते हैं। एडमायरिंग और को एग्जिस्टिंग विद अदर कल्चर ट्रेडिशनल वैल्यूज, दूसरे के कल्चर को, दूसरे के एथोस को, दूसरे के रिचुअल्स को एडमायर करना और उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज को सराहना और उनके साथ रहना, इररिस्पेक्टिव आप अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू को ना छोड़ें लेकिन दूसरे को भी उतनी आजादी हो। ओपननेस टूवर्ड्स डायलॉग एंड क्रिटिसिज्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्लूरलिज्म की। जब आप प्लूरलिस्टिक होते हैं तो आप दूसरे की राय का ख्याल रखते हैं, अपने ऊपर आने वाली तनकीद को रिएक्ट नहीं करते बल्कि उसको, उससे लर्न करते हैं, उसका जवाब देते हैं। क्रिएटिंग रूम एंड रिस्पेक्टेबल स्पेस फॉर अदर रिलीजियस कम्युनिटीज टू अडहेयर देयर सेक्रेड बिलीफ्स, यानी प्लूरलिज्म इज समथिंग लाइक दैट कि आपने एक रूम क्रिएट करना है, एक खाली जगह बनानी है, एक कम्फर्ट जोन बनाना है जिसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट होगा दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज के साथ, चाहे वो माइनॉरिटीज ही क्यों ना हो, और उनको इजाजत होगी कि वो अपने जिन भी बिलीफ को सेक्रेड मानते हैं, उनके हाँ जो भी उनके खुदा हैं, जो भी उनकी मजहबी रिवाज है, जो भी उनके रिचुअल्स हैं, जिस भी ट्रेडिशन और कल्चर को वो फॉलो करते हैं, उनको उसकी आजादी हो, बट कोई ऐसा अमल जो कि इस्लामी रियासत के अंदर इस्लाम के कॉन्सेप्ट को डैमेज करे उसकी इजाजत नहीं दी जाती। ऑलवेज ईगर टू वर्क विद अदर्स, टू वर्क विद अदर्स, हमेशा ईगर रहना कि दूसरों के साथ मिलजुल कर आप काम करेंगे, विदाउट द डिफरेंस ऑफ कास्ट, कलर्स, रेस एंड क्रीड। अगर आप देखें तो कास्ट, कलर, रेस एंड क्रीड का जो कॉन्सेप्ट है ये अगर आप बिफोर क्राइस्ट देखते हैं
तो ये बहुत ज्यादा पाया जाता था, स्लेवरी बहुत ज्यादा पाई जाती थी एथेंस में, यूरोप में। यहाँ तक कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत बासत नहीं हुई थी और आपकी पैदाइश मुबारका नहीं हुई थी, तो अरब के अंदर भी ये जहालियत पाई जाती थी। यानी वो कास्ट, कलर, कबीले के डिफरेंस से एक दूसरे को पहचानते थे और छोटा बड़ा कहते थे। आज के हिंदुस्तान यानी भारत के अंदर भी कास्ट क्रीड का सिस्टम है और पूरे के पूरे हिंदू मत, हिंदू मजहब में ये है, इस्लाम के अंदर ये नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी जगह पे मुसलमानों की कोई जमात, कोई ग्रोह, कोई ऐसे एलिमेंट्स खुद से ये काम करना शुरू कर दे तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज इस्लाम एज ए दीन इनमें से किसी चीज की इजाजत नहीं देता। विलिंग टू अडेप्ट मॉडर्न ट्रेंड्स एंड मॉडर्न मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टू प्रमोट ग्लोबल को एग्जिस्टेंस एंड पीस। अगर आप देखें तो इस्लाम इतना फ्लेक्सिबल और इतना विलिंग है कि इजाजत देता है मॉडर्न ट्रेंड्स, मॉडर्न फैशंस, मॉडर्न तौर तरीके और पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है, जो ग्लोबल को एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, उसको अडॉप्ट किया जाए। जिस तरह आज दुनिया में जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट है, आया कि इस्लाम के जो बेसिक फीचर्स है उसमें डेमोक्रेसी की एग्जिस्टेंस को कहीं पर भी प्रमोट नहीं किया गया। बट आज की मुसलमान रियासतों को देखें तो उन्होंने ये रूम क्रिएट किया हुआ है कि ग्लोबल को एग्जिस्टेंस के लिए, अगर मिलजुल कर रहने के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जरूरत है, तो आज के इस्लामी निजाम में जो मुसलमान ममालिक है वो इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि इसकी इजाजत उनको इस्लाम देता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन लॉ मेकिंग एंड एडजस्ट टू द एडवांस नीड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ये बहुत बड़ी बात है कि इस्लाम कोई स्ट्रिक्ट और रिजिड रूल्स का नाम नहीं है। इस्लाम में इजमा है, इस्लाम में कियास है, इस्लाम में इज्तहाद है, इस्लाम में इस्तेहसान है। तो ये तमाम चीजें जो फिका से हमें मिली है, ये इसलिए हैं कि जब आपको दुनिया में नई एडवांसमेंट होती है, दुनिया के नए मामलात आप सामने आते हैं, तो उनको डील करने के लिए इंसान अपना इंटेलेक्ट, अपना माइंड और जो उलमाए कराम है वो इस्लामिक वैल्यूज के अकॉर्डिंगली उसमें से रास्ता निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है जो इस्लाम हमें प्रोवाइड करता है। एडहेरेंस टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस्लाम आज की मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मानता है, उसकी इजाजत देता है। जिस तरह आपकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, हार्ट सर्जरी है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें इस्लाम ने कोई कदगन नहीं लगाई। लेकिन अगर एज ए रिलीजन देखा जाए तो दुनिया के बहुत से ऐसे मजाहिब हैं जिनमें कुछ ऐसे रिचुअल्स और कुछ ऐसे सिविलाइजेशनल ट्रेंड्स पाए जाते हैं जो आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी एज ए रिलीजन साइंस की उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, जहां तक कि इस्लाम इसको एक्सेप्ट करता है। और ये बहुत बड़ी बात है, इस्लामिक प्लुरलिज्म के लिए बहुत बड़ी बात है। टर्मिनेटिंग प्रेजुडिसेस टू एक्सेप्ट वेस्टर्न वेज ऑफ इकोनॉमिक एंड पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट। आप अंदाजा लगा लें कि इस्लाम ने कतन कभी भी इल्म हासिल करने, नए ट्रेंड्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और बेहतरी की तरफ जाने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक यानी पैसे या मईशत की बेहतरी हो, कभी नहीं रोका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का महफूम है कि इल्म की हासिल करने के लिए आप जहां दूर तक भी ट्रेवल करें, इसी तरह बेहतरीन मईशत के निज़ाम को, हाँ इस्लाम सूदी निज़ाम के खिलाफ है, और इसके खिलाफ होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो सिर्फ ये है कि सूदी निज़ाम से जो कमजोर तबके हैं उनका इस्तेहसाल होता है। जब वो कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को डबल वापस करना पड़ता है और वो वापस करने की एबिलिटी नहीं लेते, तो फिर उनका इस्तेहसाल किया जाता है। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये बहुत बड़ी बात है कि इस्लाम की ऐसी प्लूरलिस्टिक विजन है कि बीइंग अ माशरा, बीइंग अ सोसाइटी और अंडर द एम्बिट ऑफ अ स्टेट, जब इस्लामी रियासत कायम होती है, उसका एक निज़ाम बन जाता है, तो माशरती अदल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मामले में अगर आप देखें तो इतनी स्ट्रॉन्ग जुडिशरी इस्लाम बनाकर गया, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज के मुस्लिम ममालिक मिस कर रहे हैं। हमारे पास वो अदालती निज़ाम नहीं है जिसको इस्लाम प्रमोट करता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि दो बड़े ऐसे वाक़यात हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और एक हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम अनहा का है, जिसमें दोनों जो बड़ी हस्तियां हैं तारीख की, साहबाए कराम हैं, ये अपने अपने दौर के खलीफा वक्त भी हैं और इनके खिलाफ सवाल उठाए गए, इनको अदालत के सामने पेश होना पड़ा और
जवाबदेह होना पड़ा। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि आज के कौन से ऐसे नॉन रिलीजियस सिस्टम की भी कोई मिसाल मुझे आप दे दें या दुनिया में से निकाल दें, या कोई ऐसा सेकुलर सिस्टम भी उठा के दिखा दे जिसमें ताकतवर अथॉरिटेटिव जो है वो भी आंसरेबल है। क्यों? क्योंकि मुआशरती अदल तब तक नहीं होता जब तक इक्वालिटी नहीं होती। अब आते हैं इस्लामोफोबिया को अंडरस्टैंड करने के, इस्लामोफोबिया है क्या। तो ये दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, एक इस्लाम और दूसरा फोबिया। इस्लाम एक दीन का नाम है जिसको हम और आप फॉलो करते हैं, और दुनिया में तकरीबन 2.25 अरब के करीब इसके फॉलोअर हैं। इस्लाम का लफ्जी मतलब अमन है, सलामती है और भलाई है। अगर आप देखें फोबिया, फोबिया का लफ्जी मतलब है डर, जिस तरह हाइट फोबिया होता है और बहुत से फोबियाज होते हैं, लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती कि आप किसी को देखेंगे। जब आप किसी को देखते हैं और उससे आपको डर लगता है तो उसको फियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई जंगली जानवर आ जाता है, आपके सामने कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई वेपन लेके आपको डराने की कोशिश करता है, तो वो फोबिया नहीं होता। फोबिया बेसिकली मेंटल कंडीशन को कहा जाता है, ज़हनी हालत को कहा जाता है। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं कि इस्लाम के साथ ये फोबिया क्यों जोड़ा गया। यानी ये एक साइकोलॉजिकल वॉर क्रिएट की गई मुसलमानों के। और सबसे बड़ी बात, मुसलमान तो चले गलती पे हो सकते हैं, उसका इस्लाम का कोई कसूर नहीं उसमें। इस्लाम के तो सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं, और ऐसे गोल्डन सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं जिसको दुनिया में कोई भी फॉलो करे, वो बेशक कलमा गो नहीं भी है तो वो उसका फायदा उठा सकता है। वेस्ट में जाके देखने, आज उन्होंने सोशल जस्टिस बनाया है, आज उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई है, और वो जुडिशरी भी अकाउंटेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स उन्होंने बनाए हैं, अबर्न्समैन बनाए हैं, फिर एक बेहतरीन पार्लियामेंट्री निजाम बनाया है, फिर एक बेहतरीन इक्वालिटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बनाया है वेस्ट ने। ये तमाम जो प्रोविजन है ये इस्लामिक प्रोविजन है, तो वो तो कलमा नहीं पढ़ते। तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसको अगर आप ना मानते हुए भी सिर्फ इसको एडॉप्ट कर लें, ये एक ऐसा मेडिसन है, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपके तमाम सोशियो पोलिटिकल इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल तमाम किस्म के मसाइल को हल कर सकता है, बेशक आप इसको नहीं भी मानते। तो एज ए मुस्लिम अगर हम इसको नहीं मानते तो इसमें इस्लाम का कसूर नहीं। लेकिन चूंकि एक प्रॉपर डिजाइन दुनिया में बनाए जाते हैं, प्रोपोगंडा किया जाता है, तो अगर आप उस प्रोपोगंडा के अकॉर्डिंगली देखें तो इस्लामोफोबिया का मतलब है मजहब इस्लाम या दीन इस्लाम का साइकोलॉजिकल डर। यानी जो कोई भी मुसलमान होगा, जो कोई भी इस्लाम को मानता है, जो कोई भी फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम है, जो कोई भी इस्लामिक प्रोविजंस पे अमल करता है, उससे डरो। क्यों उससे डरो? साइकोलॉजिकली उससे डरो। अगर वो तुम्हारे साथ जॉब कर रहा है, तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहा है, तुम्हारे मुल्कों में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा दुश्मन है। नाउ ये एक माइंडसेट बनाया गया जिसको कलेक्टिवली इस्लामोफोबिया कहते हैं। देखते हैं जी, थ्रेटनिंग वेस्टर्न वर्ल्ड बाय इस्लामिक कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली बात है, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ में क्या है? इस्लामिक वे ऑफ लाइफ में अगर आप प्योरली इस्लामिक वे ऑफ लाइफ में देखें तो अदल है। हदीस मुबारका में आता है, मन गशा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। यानी मिलावट आपके किरदार में भी होती है, मिलावट आपके अमाल में भी होती है, मिलावट आपके मामलाते जिंदगी में भी होती है, मिलावट खाने पीने की चीजों में भी होती है। मिलावट यानी बेईमानी, आप अपने ओहदे के जो हल्फ लेते हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, ये भी मिलावट है। तो इस्लाम तो एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना, कोटेशन के साथ आपको बता रहा है कि वो हम में से नहीं। अब हम में से कौन है? अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के मानने वालों में से नहीं है। बेशक वो अपने आपको भला जितना मर्जी मुसलमान के कलमे पढ़े, दाढ़ी रखे, हिजाब करे, कुछ भी है, लेकिन जब उसका कैरेक्टर इस्लाम के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली नहीं है तो अल्लाह के नबी ने वाजह तौर पर फरमा दिया वो हम में से नहीं है। और कुरान की एक आयत है जिसका तर्जमा यह है कि अल्लाह फरमाता है दीन तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है, यानी सलामती ही अल्लाह के नजदीक दीन है। तो सलामती कहाँ पर है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा उस्वतुल हसना है हदीस में। कुरान की एक और आयत है, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुल हसना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह ने तमाम तर इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना बना दिया, सैंपल बना दिया। आप इसको फॉलो करें, आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे। तो अब उस इस्लामिक वे ऑफ लाइफ से, उस इस्लामिक सैंपल से, उस इस्लामिक नमूने से, उस इस्लामिक कल्चर से, ट्रेडिशन से, वैल्यू से,
इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम से, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम से, इस्लामिक सोशल सिस्टम से, इस्लामिक रिचुअल से दुनिया को और स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड को डराया जाए। प्रोजेक्टिंग रॉन्ग एंड नॉन स्टेट एक्शंस एज प्योर इस्लामिक एडहेरेंट। अच्छा, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? याद रखिएगा, नॉन स्टेट एक्टर्स आर दोज जिनको स्टेट ऑन नहीं करती। ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, ये कोई कंपनीज भी हो सकती हैं, ये इंडिविजुअल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई चंदा इकट्ठे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ये कोई कंसोलिडेटेड इदारा भी हो सकता है, ये कोई ऐसे लोगों का ग्रुप भी हो सकता है जो अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम करे। तो क्या किया जाता है, वेस्ट इस तरह के नेगेटिव लोगों को प्रोजेक्ट करता है एज प्योर इस्लामिक एडहेरेंट। ठीक है, देखो ये है मुसलमान, हालांकि वो तो इस्लाम के नाम को यूज कर रहे हैं, तो वेस्ट को भी पता है कि वो गलत लोग हैं। जिस तरह दुनिया की हर सोसाइटी में, हर मुमलिकत में, हर नेशन स्टेट में कुछ रेबिलियस ग्रुप्स होते हैं, कुछ इंसर्जेंट्स होते हैं, कुछ बिलीग्रेंट्स होते हैं, कुछ मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होते हैं, तो उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, बिलीग्रेंट कहा जाता है, इंसर्जेंट कहा जाता है, टेररिस्ट कहा जाता है। उस सेगमेंट को उस मुल्क के साथ नहीं जोड़ा जाता, या उस मुल्क के मजहब के साथ तो कभी नहीं जोड़ा जाता। लेकिन ये भी तोहफा हमें 21वीं सदी के आगाज में मीडिया ने और वेस्टर्न एकेडेमिया ने दिया कि अब जो इस्लाम के नाम पर दो नंबरी करते हैं, इस्लाम के नाम पर एक्सट्रीमिज्म करते हैं, इस्लाम के नाम पर जो है अपने एजेंडाज को प्रमोट करते हैं, उनको प्योर इस्लामिक एडहेरेंट वेस्ट कह रहा है, और जो रेस्ट ऑफ द बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स हैं उनको वो इस्लामिक या मुस्लिम नहीं प्रमोट कर रहा। हालांकि वो बिल्कुल माइनर माइनॉरिटी है इस्लाम के नाम पर ऐसे लोग जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट उन्हीं को प्रमोट कर रहा है। क्यों? ताकि अपने लोगों में, अपने कल्चर में, अपने सिस्टम में, अपने इदारों में इनको पिनलाइज करके इस्लाम को बुरा कहा जाए। तो ये पूरे का पूरा डिजाइंड स्ट्रक्चर है, प्रिटेंडिंग इस्लामिक लेजिस्लेशन एज फैशिस्ट। आप याद रखिएगा, इस्लामिक कानून साजी जो कि आज से 1442 साल पहले बन गई, जिसमें हदूद है, जिसमें जिना है, जिसमें उसके अलावा हद कजफ है, जिसमें सराका है, जिसमें हुमर है, जिसमें हराबा है, जिसमें रिदा है, ये छह इंपॉर्टेंट है, जिस तरह जिना है, उसके बाद हद कजफ है, झूठा इल्जाम लगाना है, जिना अडल्ट्री में आता है, उसके बाद आपका सराका आता है जिसको चोरी कहते हैं, फिर हराबा आता है जिसको डाका के मारना कहते हैं, उसके बाद खुमर आता है, शराब पीना आता है, और रिदा आता है, यानी मुसलमान होते हुए इस्लाम को छोड़ देना। अब इसके बारे में कुछ हदूद कुरान ने बयान कर दिए, उसके अगेंस्ट आप नहीं चल सकते। वो के कुछ ऐसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर गुजरे हैं तारीख में, जिन्होंने कुछ ऐसी इस्तलाहात इसमें दी हैं, जिस तरह हजरत उमर फारूक के दौर में एक शख्स जो चोरी कर रहा था, असराका में पकड़ा गया था, उसके हाथ नहीं काटे गए थे क्योंकि उस वक्त कह चल रहा था, तो इस्तेहसान की एक टर्म दी गई है कि प्रेफरेंस ऑफ वर्स्ट पनिशमेंट ओवर यू कैन से दैट लीनियंट अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, यानी थोड़ी हल्की सजा दी जाए सख्त सजा के मुकाबले में, अगर कसूर जो है वो पहली बार है और ऐसा है जो सरकमस्टांशियल एविडेंस जिसके मिलते हैं कि वो मजबूर था जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसने ये एक्ट किया। बहरहाल, लेकिन पूरी दुनिया में इन चीजों को पिक एंड चूज करके, चेरी पिक्ड नोशंस को उठा करके इस्लाम को प्रमोट किया जाता है एज अ फैशिस्ट इस्लामिक लेजिस्लेशन कानून सर। तो ये तो पहले हमने दो कॉन्सेप्ट और दो चीजें अंडरस्टैंड कर ली। उसके बाद हमने थोड़ा सा कोशिश की है वो कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स है जिसकी वजह से दुनिया में notions of या wrong notions of Islamophobia तो promote हो रही हैं, लेकिन pluralistic vision of Islam दुनिया में आज के इस दौर में पिछले 20 सालों में promote नहीं हो रहा, उसकी क्या reason है? तो स्टूडेंट, मैंने इसकी दो reasons के ऊपर, जो मेरा अपना intellectual level है, जो मेरी अपनी reading है, इसमें दो कसूरवार हैं। पहला हम खुद हैं, internal factor है Muslim society में। दूसरा फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड है। इंटरनल फैक्टर कैसे मैंने इसको कहा, देखिए इस्लाम के जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं
हमें अहकामात दिए गए उन पे अमल करने के, हमें अहकामात दिए गए उनको पकड़े रखने के, और वो है ना कुरान के आप तफरके में ना पढ़ो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। तो अल्लाह की रस्सी तो कुरान और हदीस है, अल्लाह की रस्सी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है, अल्लाह की रस्सी तो नेकी है, अमानतदारी है, दरगुजर करना है, माफ करना है, सिला रहमी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, किसी की माल, किसी की जायदाद, किसी की जिंदगी को बगैर किसी वजह के उसका इस्तेहसाल न करना है, लोगों के साथ अमन में रहना है, बाकी मजाहिब की रिस्पेक्ट करना है। इस्लामिक गोल्डन प्रिंसिपल तो ये, हमने क्या किया, हमने अपने ही फिरके बना लिए, और जब हम उस तफरके में बट गए तो हमने अपनी मुस्लिम आइडेंटिटीज भी उस तरह बना ली। इसी तरह हमने कास्ट, कलर, क्रीड के नाम पे अपनी आइडेंटिटी बना ली, रीजन के नाम पे अब जिस इलाके के रहने वाले इलाकाई आइडेंटिटी बना ली, जो जबान बोलते हैं लिंगुअल आइडेंटिटी बना ली, जिस एथनिक ग्रुप से हमारा ताल्लुक है एथनिक आइडेंटिटी बना ली, तो हमारी लिंगुअल आइडेंटिटी है, एथनिक आइडेंटिटी है, रीजनल आइडेंटिटी है, और अपने सेक्टेरियन रिलीजन के जिस सेक्ट से हम ताल्लुक रखते हैं उसकी आइडेंटिटी है। सिर्फ एक मुसलमान होने की आइडेंटिटी हम में नहीं है, हम अपने आप को मुसलमान मानने को तैयार नहीं, वो मुसलमान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतने ज्यादा डिफरेंसेस हमारे अपने अंदर ही पैदा हो गए, तो आप कोल्ड वॉर एरा में 1945 से लेकर 1990s के दौर में देखते हैं, तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने 70s में अरब जो पर्शियन गल्फ है वहां पर तेल की दौलत से नवाजा और एक नेचुरल रिसोर्स दिया, तो ये ममालिक क्या हुए, डिफरेंट आइडेंटिटीज में बट गए, कोई इमाम मालिक के फॉलोवर है, कोई इमाम शाफई के फॉलोवर है, कोई इमाम अबू हनीफा के फॉलोवर है, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल के फॉलोवर है, कोई इमाम जाफर सादक के फॉलोवर है, तो क्या हुआ, ग्रुप्स बन गए। फिर विद इन द ग्रुप्स 18 सेंचुरी के बाद बर्रे सगीर में एक बंदा देवबंद से पढ़ता है तो वो देवबंदी बन जाता है, एक बंदा किसी और मदरसे से बनता है वो बरेलवी बन जाता है, एक बंदा जो अपने आप को गैर मुकल्लद कहता है वो अहले हदीस पर, यानी इतना ज्यादा मेजर डिवीजन पहले 5-7 की, उसके बाद विद इन द डिवीजन हमने और डिवीजन कर ली, और आज माशाल्लाह मुसलमानों की कारकर्दगी डिवीजन के लिहाज से इतनी बेहतर है कि हम इतने ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स इस्लाम के अंदर और कॉम्प्लेक्सिटीज हमने इस्लाम के अंदर खुद पैदा कर दी है कि एक ग्रोह जहाद की डेफिनेशन और करता है, दूसरा ग्रोह जहाद की डेफिनेशन और करता है, एक ग्रोह जहाद को किसी और मकसद से एसोसिएट करता है, दूसरा ग्रोह किसी और मकसद से एसोसिएट करता है, एक ग्रोह अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को प्रमोट करने के लिए एक स्पेसिफिक सेगमेंट और एक्सट्रीमिस्ट जमात को पॉलिटिकल कैनवासिंग में और इलेक्शन कंपेन के दौरान इस्तेमाल करता है, दूसरा ग्रोह जो प्योरली सेकुलर या लेफ्टिस्ट ग्रुप है वो उसको कुछ और पीनलाइज करता है। अवाम को कंफ्यूज कर दिया गया, कोई मजारों पे जाके खुदा को तलाश कर रहा है, कोई आस्थानों पे जाके तलाश कर रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ओरिजिनल मैसेज था अल्लाह वहदहु ला शरीक है वही सिर्फ जिंदा है, तो हम माशाल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि जो नॉन जिंदा है उसमें उनसे सब चीजें हासिल कर रहे हैं। रीजन इसके पीछे क्या है कि हम विद इन द सिस्टम, विद इन द इस्लामिक निजाम अपने अंदर ही बहुत ज्यादा डिवीजन का शिकार है, और फिर वो डिवीजन सिर्फ इस्लाम तक नहीं रही, वो और आइडेंटिटीज में बट गई, फिर क्लास सिस्टम आ गया, फिर फाइनेंशियल क्लासेस आ गई, फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आ गई, उसमें और इस्तेहसाली निजाम आ गए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, एलीट क्लास, पुअर क्लास, अंडर पॉवर्टी क्लास, लो जी वो और हमने एक और कर दिया, फिर क्लैश ऑफ प्रोविंसेस विद इन पाकिस्तान आप देखें, एक सूबा दूसरे सूबे के हक मारना शुरू हो गया, पॉलिटिक्स में ऐसे सिस्टम्स हो गए, इदारों में ऐसे निजाम चलना शुरू हो गए, तो ये सब कुछ गंद हमने खुद डाला। अब इस गंद डालने के बाद जब हम अपनी इन हरकतों की वजह से एक्सट्रीमिज्म पे आते हैं, तो लोग जब जो बाहर की दुनिया से हमें देखते हैं तो वो कहते हैं ये देखो ये इस्लाम के मानने वाले हैं, इसका मतलब इस्लाम ने ये सब इनको सिखाया है, हालांकि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो हम देखते हैं जी पॉजिटिव फैक्टर्स मैंने दो निकाले, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, और याद रखिएगा वो खूबसूरत शेर है कि कोई शहर दे लोग भी जालम सी, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी, यानी जब आप खुद अपने अंदर खामियों को ठीक नहीं करते तो फिर जो बाहर आपकी दुनिया आपकी दुश्मन बैठी हुई है, बाहर जो आपको टारगेट करके बाकी रिलीजन बैठे हुए हैं, क्रिश्चियनिटी है, जूदाइज्म है, हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्ध मत है,
जो एथिस्ट हैं, जो सेकुलर हैं, ये जब इनको मौका मिलेगा तो आपने भी तो तीन बर्रे आर्जुओं पे हुकूमत की है, आपने भी तो इतनी बड़ी इंपायर्स बनाई है, तो उन्होंने आपके आबाओ अजदाद वाले बदले फिर आपसे नहीं लेने, फिर उन्होंने इस्लाम के साथ अपनी दुश्मनी का इसी तरह इजहार करना है कि जब आप अंदर से खुद खत्म हो रहे हैं, खुद गलाजत में फंसे हैं, तो फिर एक और अजाब बाहर से नाजिल होता है, फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का रोल आ जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल आ जाता है, ग्लोबल पॉलिटिकल अरीना आ जाता है, फिर वो काम वहां पे चलना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने कुछ काम किया, देखते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स विच आर प्रमोटिंग रॉन्ग नोशंस ऑफ इस्लामोफोबिया। तो पहले इंटरनल देखते हैं, अपने मुसलमानों की करतूतें देखते हैं कि हम जिम्मेदार किस हद तक है। तो नंबर वन, प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर्स इन मुस्लिम पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सेगमेंट्स। तो जब आपके मजहबी सेगमेंट्स एक्सट्रीमिज्म को फॉलो कर रहे हैं, जब आपके पॉलिटिकल सेगमेंट्स इस्लामी रियासतों में ऐसा हो रहा है, इस्लाम के नाम पे बनने वाले ममालिक में ऐसा हो रहा है कि आप सियासत कर रहे हैं, आप सियासत देखिए ना, पॉलिटिकल साइंस का लफ्जी मतलब है द आर्ट एंड साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, आपने एक स्टेट क्राफ्ट करना है, तो जब आप उसमें अपने एजेंडाज को प्रमोट करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को प्रमोट करेंगे, रिलीजियस सेगमेंट्स को प्रमोट करेंगे, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? डिवीजन ऑफ मुस्लिम्स ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक रीजनल एंड सेक्टेरियन आइडेंटिटीज, जिस तरह मैंने आपको बताया पूरी दुनिया की मिसालें हैं। मेरे पास चूंकि टाइम कम होता है तो मैं एक डिटेल डिबेट आपसे नहीं अभी कर सकता, और दूसरी फिर ये जरा सेंसिटिव इशू है, तो आप खुद भी इस पे किताबें पढ़ें और चीजों को देखें, मेरा ज्यादा बात करना इस पे बेहतर नहीं, विद रेफरेंस टू टॉपिक बात करना ही बेहतर है। एक्सट्रीम पॉवर्टी अमंग सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीकन मुस्लिम स्टेट्स, आप देख लें, मसलन इस्लाम जो है वो तगोदो की बात करता है, मेहनत मशक्कत की बात करता है, एफर्ट करने की बात करता है, हलाल रिस्क कमाने की बात करता है, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे जाने की बात करता है, इल्म हासिल करने की बात करता है। और फिर ये मैं आज से कोई 5000 साल 2000 साल पुरानी बात नहीं बता रहा, मैं आज की ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ कि आज हम एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज इस्लामी, वो आप देख लें उनकी हालात क्या है, 1991 के बाद जब डिसमेंबरमेंट ऑफ सोवियत यूनियन 1989-90 में हुई और 91 के बाद वो रियासतें सामने आई, 15 रियासतें बनी सोवियत यूनियन से, और उन 15 में 6 मुस्लिम थी, जिसमें आजरबाईजान था, तुर्कमानिस्तान था, ताजिकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था, ये 6 इनका हाल देख लें, इनमें से कौन कितना है। हाँ, कंपेरेटिवली पाकिस्तान से कुछ हद से बेहतर है क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन अभी भी उनकी हालात बेहतर है। बैकवर्डनेस ऑफ मेजर इस्लामिक कंट्रीज इन देयर सोशल ग्रूमिंग। तो क्या वेस्ट हमें सोशल ग्रूमिंग से रोकता है? हमने अपनी सोसाइटी को जाहिल बना दिया है, हमारे बाकी जितने भी जो बजट के एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के हों, चाहे वो और किसी सेक्टर के हों, चाहे वो एलीट क्लास को लोन देने के हों, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के हों, चाहे वो सब्सिडीज के हों, चाहे वो टैक्सेशन के हों, आप देख लें वो किसके लिए होते हैं। और सोशल ग्रूमिंग कब होती है? तालीम और तदरीस से सोशल ग्रूमिंग होती है। तो हम कितना तालीम और तदरीस पे लगाते हैं, और वेस्ट से अपना कंपैरिजन कर लें, इवन के वेस्ट के गरीब तरीन ममालिक से भी आप कंपैरिजन कर लें, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ कंपैरिजन कर लें, इंसान को खुद ही शर्म आ जाएगी कि मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं। और जो मुस्लिम ममालिक बहुत ज्यादा अमीर हैं, इस तरह अरब ममालिक हैं, उनके हालात देख लें, वो याशी में पड़े हुए हैं, वो इस तरफ आने की सोचते नहीं कि सोशल ग्रूमिंग क्या होती है। तो फिर आप देख लें आप लोगों का हालात क्या होंगे। ये इंटरनल रीजन है जिस वजह से इस्लामोफोबिया बाहर जाता है। उसके बाद द इंसिडेंट ऑफ 9/11/2001 लेबल्ड मुस्लिम एज ग्लोबल टेररिस्ट, ऑब्वियसली बात है, फिर वेस्ट को तो मौका मिलना है, उन्होंने तो कहीं ना कहीं देखे ना, मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपकी अपनी खामी होती है, फिर आपकी तारीख आप देखें, आपने तारीख पे दुनिया की बड़ी रियासतों को, आप कैसरो कसरा की रियासतों को अगर देखें, हजरत खालिद बिन वलीद का दौर देखें, तो उस दौर में हजरत खालिद बिन वलीद ने किस तरह मरहब के साथ जंग की, किस तरह बाकी लोगों के साथ जंग की, महान के साथ जंग की, बड़े बड़े लोगों के साथ जंगे की, उसके अलावा कैसरे जो रोम है उसका क्या हाल किया, जो पर्शियन कसरा था उसका क्या हाल किया, वो रियासतें तबाह कर दी और उनकी ईंट से ईंट बजा दी, तो क्या आज उन्होंने आपसे बदला नहीं लेना? जब आप अंदर से ऐसे होंगे तो फिर जब उनको मौका मिलता है आपको डोमिनेट करने का, तो फिर वो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं कहते, जिस मजहब जिस सिस्टम की वजह से आपने तारीख में बहुत बड़ी ग्रोथ हासिल की थी, अब उन्होंने उसको टारगेट करना है, ताकि जब वो वजह नहीं रहेगी तो आप सारी जिंदगी सर उठा के नहीं जी सकते, और फिर आपको उन्हीं के कल्चर, उन्हीं के सिस्टम, उन्हीं की ट्रेडिशन और उन्हीं की वैल्यूज को अडॉप्ट करना है अगर आपने आगे जाना है।
अपनी वैल्यूज, अपने कल्चर, अपने रिचुअल, अपने इस्लामिक गोल्डन प्रिंसिपल के साथ आप आज के दौर में आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पिनलाइज कर दिया गया, तो अब आपको अपनी हालत, अपनी शक्ल, अपना बाकी निजामे जिंदगी को बदलना पड़ेगा। तो जब आप उनके जैसे होंगे, उनके रंग में रच जाएंगे, तो आने वाली नस्लें वैसी हो जाएंगी। तो इन अदर वर्ड्स, एक ग्रेट डिजाइन के अकॉर्डिंगली इस्लामोफोबिया के इस कॉन्सेप्ट से इस्लाम को ही खत्म करने की नाउजबिल्ला जो साजिशें हैं, ये फिर 20 साल से जारी हैं। प्रोपोगेंडा ऑफ वेस्टर्न मीडिया टू मेलाइन इस्लामिक नेशंस एज द फंडामेंटलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, यानी ये प्रोपोगेंडा वेस्ट में आपको नजर आता है कि वेस्ट में इस्लाम को फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त और एक्सट्रीमिस्ट, शिद्दत परस्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसकी वजह आगे मैंने लिखी हुई है, सुसाइड बॉम्बिंग कल्चर बाय इस्लामिक फाइटर। अब ये चूंकि मुसलमान थे, तो इस्लामिक फाइटर इनको कहा जाता है। अलकायदा को देख ले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को देख ले, दाइश को देख ले, ISIS को देख ले। इस पे मैंने अफगान तालिबान का नाम इसलिए भी नहीं डाला कि मेरी अपनी एक कन्विक्शन है, मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ। जो अफगान तालिबान है वो एक फ्रीडम फाइट कर रहे हैं, सो दे आर नॉट टेररिस्ट। बट जो तालिबान पाकिस्तान के अंदर, तहरीक तालिबान लबैक, दे आर क्वारिज। तो इसी तरह अलकायदा, TTP, दाइश, ISIS और हिलरी क्लिंटन तो 2014 में पार्लियामेंट में, कांग्रेस में ये कह चुकी हैं कि जो दाइश और ISIS है, इसको बनाने वाले CIA है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, फिर उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग का कल्चर भी दिया और उस तरह उसको बनाया भी। सक्सेसिव फेलियर ऑफ गवर्नेंस अमंग मुस्लिम स्टेट्स, मुस्लिम रियासतों के अंदर गवर्नेंस भी नहीं हो रही हमसे, तो फिर जाहिर है सोसाइटी का रिएक्शन आएगा। रिएक्शन आएगा तो वो इस्लाम से, इसको कहते हैं ये इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम ही वेग है। जब इस्लामिक पॉलिटिकल, मुसलमान परफॉर्म नहीं कर रहे, वो इस्लामिक सिस्टम पे नाम आ जाते हैं। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम वेग है, इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम वेग है, मदरसा सिस्टम वेग है। हालांकि जब आप उनको वो चीजें पढ़ाएंगे ही नहीं, वो ट्रू वैल्यूज ऑफ इस्लाम बताई ही नहीं जाएगी, तो फिर क्या होगा? वो वैसी प्रोडक्ट बनेगी जैसी आपने उस पर मेहनत की होगी। प्रोपोगेशन ऑफ ISIS एंड दाइश इन सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, ये आप देख ले, पाकिस्तान में भी इन्होंने आ जाना था। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पाक फौज जैसी नेमत दी है, जो अपनी शहादतें और अपनी सेक्रीफाइसेस की वजह से हमें डिफेंड करते हैं। डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मुस्लिम नेशंस, आज भी आप देख लें मुस्लिम नेशंस की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड इकोनॉमी है। यानी वेस्ट फिर 2008 के सॉवरेन डेट क्राइसिस से निकल आया, 1977 के सॉवरेन डेट क्राइसिस से निकल आया, 1930s के सॉवरेन डेट क्राइसिस से निकल आया, फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल आया। लेकिन मुस्लिम रियासतें तमाम तर वसाइल होने के बावजूद भी उनकी आप इकोनॉमी देखें तो वो डिस्टेबलाइज्ड है, कभी बेहतर होती है, कभी क्वेश्चनेबल हो जाती है। क्लैशेज अमंग मुस्लिम स्टेट्स बेस्ड ऑन रिलीजियस एंड इकोनॉमिक डिविजन्स, सऊदीया और ईरान के क्लैशेज आपके सामने हैं, सदाम हुसैन इराक और सऊदीया के क्लैशेज आपके सामने हैं, इराक और कुवैत के क्लैशेज आपके सामने हैं। इस वक्त आज से साल पहले अगर देखा जाए तो नरेंद्र सिंह मोदी को UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शहजादों ने भी बेहतरीन अवार्ड दिए, सोने की मालाएं पहनाई। आपके सऊदी अरब के भी लीडरान ने उनको बड़ा कुछ बनाया, इवन के मंदिर भी खोले गए, पूजा भी की गई। तो ये तो हाल है हमारा कि हम आपस में ही कुफर के मामले में आपस में डिवाइडेड है। कश्मीर का इशू वही का वही पड़ा है, हम आपस में डिवाइडेड है। आप पूरी दुनिया में देख लें कि थोड़ा सा कोई एक्ट ऑफ वायलेंस या टेररिज्म वेस्ट में होता है तो उसको पूरी दुनिया में प्रमोट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही है, रोहिंग्या मुस्लिम को आप देख लें, म्यांमार में, बर्मा में क्या रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हो रहा है, और ऑन सॉन सूखी को आप नोबेल प्राइज भी दे रहे हैं और दुनिया उससे तारीफें कर रही है और हम खुद भी माशाल्लाह उसकी तारीफें कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? फिर वेस्ट आपसे बदला भी लेता है ना, क्योंकि आप आपस में ही रियासतें क्लैश का शिकार है। आप देख लें, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान को आज से 4-5 साल पहले लोन नहीं दिया। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान अपने आप को कहते थे, आपके फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, आपके हमसाये सबसे ज्यादा जो ज्यादा कॉपरेट कर रहे हैं वो इंडिया के साथ, भारत के साथ कर रहे हैं। आपका अफगानिस्तान देख लें, आपकी अफगान नेशनल आर्मी की ट्रेनिंग वहां पे होती है, दिल्ली के अंदर उनके सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है, रॉ इन्वॉल्व है, 120 से ज्यादा वहां पर कौंसल खाने अफगानिस्तान में है। तो ये तो हाल है। इसी तरह आप देख लें, चाबहार को डेवलप ही नरेंद्र मोदी ने किया है। इसी तरह आप अगर सऊदीया को देखें, उनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ देखें, इसी तरह पूरे दुनिया के निजाम को अगर आप कभी डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप हैरान होंगे कि इस्लामिक रियासतों आपस में डिवाइडेड है। हालांकि पाकिस्तान इज द फोर्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का कला है, न्यूक्लियर पावर है,
लेकिन आप देख लें हमारे साथ कितने परसेंट लोग खड़े होते हैं। बल्कि ओआईसी की मीटिंग में इंडिया की वो जो थी फॉरेन मिनिस्टर, उसको बुलाया गया था, पाकिस्तान ने उसका एहतजाज किया था पिछले साल। वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव कंस्ट्रक्टेड एन इमेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड हैट्रेड अमंग इस्लामिक एडहेरेंट, तो वेस्टर्न मीडिया भी इसको कर रहा है। मुस्लिम एंटी वेस्ट रेटरिक एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक एम्पायर बाय सो कॉल्ड आईएसएस दाइश हैव नेगेटिव इमेज ऑफ इस्लाम, क्योंकि इसको सीआईए ने बनाया था जब इन्होंने आईएसएस को प्रमोट करना शुरू किया सीरिया। और आप खुद देख लें इस वक्त शाम में क्या हो रहा है, बशर अल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ क्या किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है फिर इस्लाम का नाम खराब होता है। बैकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च हैज प्रमोटेड मुस्लिम्स एज इलिटरेट एंड बैकवर्ड नेशंस, ये तो रोजे रोशन की तरह आया है, ये तो इट इज समथिंग राइटिंग ऑन द वॉल कि ये तो सारी दुनिया को पता है कि हम इंतहाई बैकवर्ड और थकड़ कौम है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूँ, क्यों? उसकी वजह यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च में हम आगे, हमारा बजट ही नहीं एजुकेशन के लिए, हमारा बजट ही रिसर्च के लिए नहीं। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं वो उमरा और अयाशियों में पड़े हुए हैं, वो बाकी मामलात कर रहे हैं। काउंटरिंग द डायलेमा ऑफ इस्लामोफोबिया बाय प्रोजेक्टिंग द एसेंस ऑफ प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ इस्लाम, अब इस्लामोफोबिया को अगर आपने काउंटर करना है पूरी दुनिया में तो अब आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो एक प्योर मुस्लिम होना पड़ेगा, प्योर मुस्लिम रियासतें होनी पड़ेंगी, ओरिजिनल गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा और एक्सट्रीमिज्म को इस्लाम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म कभी भी इस्लाम में नहीं था। ये आज की नस्ल को बताया जा रहा है कि मौलवी ऐसा होता है, ये गलत लोग हैं, इस्लाम ऐसा नहीं। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जानों के लिए रहमत है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, जो अल्लाह को मानता है नहीं मानता, जानवर गधा घोड़ा ऊंट मक्खी सांप मछली हवा फरिश्ते सब के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। और उन्होंने जो हमें मजहब दिया वो कितना बड़ा पीसफुल मजहब होगा, तो आप यहां से अंदाजा लगाएं। और ये जो मैं रहमतुल लिल आलमीन की रेफरेंस कोट कर रहा हूँ ये कुरान पाक में से है जिसका हरफ हरफ सच पर मबनी है और आज की दुनिया इसको मानती भी है। तो अब इस्लामोफोबिया को प्लूरलिज्म इस्लाम से करना है। प्लूरलिज्म इस्लाम क्या है मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, देखते हैं उसमें पॉइंट्स क्या है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ इस्लाम इन इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया, याद रखिएगा सोशल मीडिया में आप इसको कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जब आपका कैरेक्टर साउंड हो, जब आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करें और अगले को तहम्मुल के साथ जवाब दें, जब आप लोगों को कन्विंस करें, क्योंकि अब मुंह पे कालक तो लग चुकी है, पूरी दुनिया में गंदे तो हम हो चुके हैं, तो इसको रिएक्ट करके आपने अपने आप को साफ नहीं करना, बर्दाश्त करना है और प्रूव करना है कि आप उस ऐसे मजहब के मानने वाले हैं जिसमें पेशेंस है, जिसमें सबर है, जिसमें बर्दाश्त है, जिसमें परसिवरेंट एटीट्यूड है, जिसमें कमिटमेंट है और जिसमें बिलीफ इन द सॉवरेनिटी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह है। Acceptance of other ideological differences and being patient while dealing with other communities, आपको लोगों को accept करना पड़ेगा। देखें एक बंदा हिंदू है, एक बंदा क्रिश्चियन है, एक बंदा जूज है, एक बंदा जैन है, एक बंदा एथिस्ट है, उसकी ग्रूमिंग उस तरह से हुई है, आप उसकी ग्रूमिंग के अकॉर्डिंगली उसे एज ए ह्यूमन एक्सेप्ट करें, सोसाइटी में उसकी एक जगह है और आपके बिहेवियर और आपके कैरेक्टर से वो अगर आपके मजहब में आता है वेल एंड गुड, नहीं तो वो उसका और अल्लाह का मामला है। मैं और आप किसी को बाय फोर्स इस्लाम में दाखिल करने के लिए नहीं है। अनटिल अनलेस इस्लाम को और मुसलमान को किसी बाहरली ताकत या अंदरूनी फितने से बहुत बड़ा खतरा ना हो तब हमने जहाद बिल सैफ करना है। उससे पहले तो जहाद बिल इल्म है, जहाद बिल अमल है, जहाद बिल नफ्स है। State level efforts to upgrade the syllabi of schools, colleges and universities to promote religious harmony. Obviously बात है हमारी रियासत तो पहले इस्लाम को ही सही तरह से बता देना, क्योंकि हम वो लोग हैं जिनकी ग्रूमिंग 90s में हुई है, हम स्कूल्स में 90s में गए तो तब असातिज़ा इकराम बहुत ज्यादा रिलीजियस होते थे, बहुत ज्यादा हम्बल होते थे, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते थे। अब चूंकि सोशल रिक्वायरमेंट ऐसी है, फाइनेंशियल रीजंस ऐसी हैं, इस दुनिया के मामलात कुछ ऐसे हैं कि अब उनको प्रोडक्ट बनना पड़ रहा है उसातिज़ा इकराम को भी, और एक जिसको कहते हैं ना लेन देन के मामले में, तो वो जो प्योर उस्ताद से शागिर्द को कुछ मिलता था शायद उसमें काफी कमी आ गई है। तो सबसे पहले तो हमें एक रोल मॉडल बनाना है टीचर को, जिसकी बात के अंदर, जिसकी
थॉट प्रोसेस के अंदर, जिसकी एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज के अंदर ओरिजिनैलिटी हो, वो जब ओरिजिनैलिटी होगी तो उससे असर भी होता है। याद रखिएगा, जब आप किसी चीज को दिल से मानते और उस पर अमल करते या लोगों को उसका कहते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जब आप लफाजी इस्तेमाल करते हैं, वर्बोस करते हैं, हवाई बात करते हैं और टोटल पूरा करते हैं, तब ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो स्टेट को, जो कि स्टेट कभी नहीं करेगी, कम से कम शायद हमारी जिंदगी में ऐसा ना हो, हाँ को बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाए या फिर अल्लाह की तरफ से को हमारी मदद हो, वरना रियासत जो इस वक्त भी रियासती इदारे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है। तो एफर्ट अपग्रेड, और वो ये सिलेबस अपग्रेड ये ना हो जाए कि इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के उन्हीं को खत्म कर दिया जाए, और जो इस्लाम के मेयार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की इंस्पिरेशन, उसी को निकाल दिया जाए और किसी अंग्रेज की तारीख को बीच में डाल दिया जाए। इस तरह की अपग्रेडेशन नहीं, बल्कि वो अपग्रेडेशन जो रियल ट्रू इस्लामिक कल्चर है, जिसकी वजह से अरब के बद्दुओं ने 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत कर ली, इसका मतलब वो बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम होगा, वो बेहतरीन वैल्यूज होंगी, तो उन वैल्यूज को अपने स्कूल के कॉलेज के सिलेबस में अपग्रेड किया जाए। उसके अलावा adherence of golden principles of forgiveness, peaceful conflict resolution, आपके जो conflict जितने भी हैं ना, उनको peacefully resolution करने की जरूरत है within Islamic निजाम। जिस तरह provincial issues चल रहे हैं, ethnic issues चल रहे हैं, lingual issues चल रहे हैं, मुल्क के साथ कोई issues political चल रहे हैं, economics, तो उनको आपने क्या करना है, forgiveness and peaceful conflict resolution की तरफ आना है और वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी पे चलना है। प्रमोशन ऑफ ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम अमंग मुस्लिम सोसाइटीज, प्रोपोगेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, सोशल जस्टिस एंड वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी। ये थोड़ा सा वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी विच इस्लाम हैज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब, यानी ये नई को वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं, इस्लाम ने इसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। Building a just society where women can perform their roles. तो आप अंदाजा लगाएं, ऐसा काम करना है जहां पर औरतें अपना रोल अदा कर सकें। याद रखिएगा, इस्लामी माशरे और इस्लामी तारीख में खवातीन की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। यहां तक के हमारी वालदा हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो मुस्लिमत उम्मा की वालदा है, अज़वाज मुतहरात में उनका एक बड़ा मुकाम है, आप अंदाजा लगाएं कि उनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है इस्लाम के लिए, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल दौर में उनका साथ देने के लिए। इसी तरह बाकी उम्मातुल मोमिनीन की कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें, हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अनहा की कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखें, बहुत सी ऐसी उम्मातुल मोमिनीन है जो जंगों में साथ गई, बहुत सी जिन्होंने प्रीचिंग की, फिर आगे आके जिंदगी में अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो बहुत ज्यादा इस्लामिक है। आप पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान उन दो बहन भाइयों की एफर्ट से है, इसमें एक का नाम कायद आजम मोहम्मद अली जिना है और दूसरे हमारी मादर मिल्लत फातिमा जिना है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि औरत को उनकी ड्यूटीज और रोल देना पड़ेगा। ये जो हिंदुआना माइंड सेट है, हिंदुआना सोच है, और ये कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में पाए जाते हैं कि औरत का स्टेटस, औरत मुकाम, औरत पुलिस, इस्लाम ऐसा कुछ नहीं कहता। इस्लाम में उसका बड़ा मकाम है, और फिर सोशल मामलात में, इकोनॉमिक मामलात में, पॉलिटिकल मामलात में उसको बड़ी प्रेफरेंस दी गई है। खातून को उसका एक रोल डिफाइन है। प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ एंड कल्चरल ट्रेडिशंस थ्रू टीवी ड्रामास, डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म्स, जिसमें से अगर आप अभी देखें तो एक अर्तुगरल के नाम पर एक चल रही है। हम जब छोटे होते थे स्कूल की एज के, तो कुछ ड्रामे लगा करते थे, मोहम्मद बिन कासिम पे लगा करता था और इस तरह के और ड्रामे लगे करते थे, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ड्रामे चला करते थे, टीपू सुल्तान, हैदर अली, बल्कि इंडिया का एक बड़ा मशहूर ड्रामा था टीपू सुल्तान पे। तो अगर आप देखें तो इससे इस्लामिक कल्चर प्रमोट होता है। आप इस वक्त अगर अपने पड़ोसी मुल्क भारत को देख लें तो उनके जो कार्टून हैं, छोटा भीम और ये और वो, उनमें भी वो अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। आप उनकी देखें, जो उनकी एक मूवी थी जिसने 1000
करोड़ का रिकॉर्ड बनाया, वो भी क्या थी, वो उनका एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव कैरेक्टर था जिसने इतने पैसे कमाए। यानी आप जब इस तरीके से ग्रूम करते हैं अपनी सोसाइटी को, अपनी पॉपुलेशन को, तो बेस्ट ग्रूमिंग होती है। को एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी बाय फर्निशिंग रियल इस्लामिक आइडियोलॉजिकल पीस, क्रिएट अ सोसाइटी दैट केयर अदर्स, ओबे लॉज एंड ऑर्डर, बिल्डिंग द इमेज ऑफ इस्लाम एज ए रिलीजन ऑफ पीस दैट सपोर्ट्स ह्यूमैनिटी बाय नेशनल एंड प्राइवेट मीडिया हाउसेस, ये रोल अदा करना पड़ेगा। फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग नैरेटिव ऑफ एक्सट्रीमिज्म बाय सपोर्टिंग द ट्रू नैरेटिव ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं जी, ये तो सबसे बड़ा जहाद है आज, जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जहाद की प्योरेस्ट फॉर्म आज के दौर में, इस ग्लोबलाइज्ड विलेज में, फाइटिंग अगेंस्ट नो रॉन्ग नैरेटिव ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ऑफ जो इस्लाम का हिस्सा बना दिए गए, बाय सपोर्टिंग द ट्रू नैरेटिव ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप अपनी जिंदगी में, अपने कैरेक्टर में, अपनी बात में, बेशक वो सिस्टम अभी हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसी को प्रमोट करें, क्योंकि आइडियली स्पीकिंग अब वो सिस्टम तो हमारे लिए आइडियल है ना, क्योंकि हमारी दुकान से लेके मामलाते जिंदगी से लेके किसी जॉब में लेके हर जगह तो दो नंबरी, बेईमानी, धोखा, सिर्फ हम नाम के मुसलमान, नाम की नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आप उस सिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं, नई नस्ल में प्रमोट कर सकते हैं, अच्छाई दोबारा पैदा हो सकती है, नई घास दोबारा उग सकती है, नई सुबह आ सकती है। तो आपने क्या करना है, इस नैरेटिव के अगेंस्ट चलना है जो इस्लाम को इस्लामोफोबिया बना रहा है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नैरेटिव है उसको प्रमोट करना है। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट, डिस्करेजमेंट ऑफ सच ग्रुप्स, एसोसिएशन एंड अलायंसेस व्हिच फॉलो एक्सट्रीमिज्म इन इस्लाम, ये बहुत बड़ी बात है। हाईलाइट द एंड एलिमिनेट दोज ब्लैक शीप्स व्हिच डिसगाइज अदर्स बाय प्रिटेंडिंग देम एज मुस्लिम, पब्लिकली डिफॉर्म द क्लेम ऑफ टेररिस्ट एक्सट्रीमिज्म बाय फतवा। ये वो लोग हैं जो कि अपेरेंटली कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, अपने आप को शो मुस्लिम कहते हैं और फिर इस्लाम के नाम पे आपको और मुझे बदनाम करते हैं। तो ये इसकी फिर मैंने फाइनल आउटलाइन भी बना दी, उसके सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए डिटेल में, आज आपके साथ मैंने ये शेयर भी कर लिया है। देर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू प्रमोट रियल विजन ऑफ इस्लाम, इसको मैंने इंटरनल एक्सटर्नल अप्रोच में कहा। इंटरनल स्टेट लेवल एफर्ट्स क्या करनी चाहिए, जो हमारी इंटरनल खामियां हैं जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया फैल रहा है, जो मैंने भी डिस्कस की, और जो एक्सटर्नल है। तो इंटरनल तो काफी मैं बात कर चुका हूँ, एक्सटर्नल पे मैं आता हूँ थोड़ा सा। एक्सटर्नल अप्रोचेस हमें क्या करना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ मल्टीनेशनल प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवेंट्स अक्रॉस द ग्लोब टू मैग्निफाई द प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ इस्लाम। मल्टीनेशनल नहीं, मल्टी कल्चरल होगा ये। मल्टी कल्चरल प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आप बाहर की दुनिया में जाएं और बाहर की दुनिया में इस तरह के मल्टी कल्चरल प्रोग्राम जिसमें एक से ज्यादा कल्चर के लोग आए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज दुनिया में है, पैसा लगाएं, जैसे वो लॉबिंग करते हैं, पैसा यहाँ फेंकते हैं इधर की यूनिवर्सिटीज और निज़ाम को खरीदते हैं और इधर अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। चाइनीज सेंटर बन रहे होते हैं, लिंग्विस्टिक सेंटर बन रहे होते हैं, बड़े बड़े सेंटर यहाँ पे तो बनते हैं, वहां पे भी आप जाके इन्वेस्ट करें, बल्कि यहाँ पे अपने सिस्टम में इन्वेस्ट करें, यहाँ पर लोगों को इन्वाइट करें और इस तरह की इंटरनेशनल जो आप कॉन्फ्रेंसेस और ये चीजें अरेंज करेंगे अक्रॉस द ग्लोब, उसमें मैग्निफाई करें आप प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ इस्लाम को। काउंटरिंग द वेग एंड अनरियलिस्टिक प्रोपोगेंडा ऑफ वेस्टर्न मीडिया बाय नेशनल एंड प्राइवेट मीडिया होम हाउसेज या ऑफ मुस्लिम स्टेट्स। ऑब्वियसली बात है, जो मीडिया हाउसेज हमारे यहाँ पर हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ माशरे को बिगाड़ने के लिए और दुनियादार किस्म के टॉक शोज, दुनियादार किस्म के गेम शोज और बेहुदा किस्म के ड्रामा बनाना नहीं है, अपनी सोसाइटी को और ख़राब ना करें मॉर्निंग शोज और इस तरह की चीज़ें करके, बल्कि आप अनरियलिस्टिक प्रोपोगेंडा ऑफ वेस्ट को भी काउंटर करें। और उस काउंटर करने के लिए आपको ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जिसमें से एक प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ पे आता है गामदी साहब का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें कम से कम मुआशरे की कुछ ना कुछ हद तक ग्रूमिंग तो हो रही होती है। Denouncing and boycotting the extremist fictions
which use Islam for negative prospects, governmental level initiatives to fight against the vague narrative of fundamentalism by supporting the true narrative of the peace and friendliness provided by the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adherence to the golden principles of Islam in conflict, ye main baat kar chuka hu, promotion of traditional religious harmony and coexistence, ye bhi aapko baki bar ki duniya mein promote karni padengi. Convincing global community by furnishing real Islamic ideology of peace and coexistence. Students, aaj ka jo lecture hai ya aaj ka jo humne ye detail mein इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपसे शेयर की. नंबर वन, प्लूरलिज्म इन इस्लाम क्या है, या प्लूरलिज्म इन इट्स ओरिजिनल सेंस प्लूरलिज्म कहते किसको है, नंबर वन. नंबर टू, हमने अंडरस्टैंड किया प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ इस्लाम को. नंबर थ्री, इस्लामोफोबिया है क्या, हो क्यों रहा है, इसके इंटरनल मुस्लिम रियासतों में, इस्लामी ममालिक में कौन सी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और फिर उसके बाद उसकी रेमेडीज. जाहिर सी बात है, जहां जहां बुराई होगी वहां वहां उसका इलाज किया जाएगा, वहां वहां उसका हल किया जाएगा, रेमेडी की जाएगी, उसको एलिमिनेट किया जाएगा. तो अगर इंटरनल फैक्टर है पॉजिटिव तो इंटरनल रेमेडीज भी होनी चाहिए, इसी तरह एक्सटर्नल भी होनी चाहिए, और फिर एक कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए. आज के इस ऐसे को हमें बींग नॉलेज बींग ऐसे नहीं देखना, बल्कि आज के इस मजमून को सिलेक्ट ही इसलिए किया गया है कि आप इसके ऊपर और काम करें. और बीइंग अ मुस्लिम, इट इज द ड्यूटी ऑफ बोथ ऑफ अस, हमारी भी है आपकी भी है, कि हम अपने अपने एंड पे इन चीजों के ऊपर काम करें और कोशिश ये करें कि अपनी जिंदगी में, जहां हम और बहुत से मकासद लेकर जिंदगी गुजारते हैं, जिसमें हमारे अपने पर्सनल लाइफ को बेहतर करने के मकासद होते हैं और नेशनलिज्म के मकासद होते हैं, वहां हमें इस्लाम की खिदमत करनी है. और वो खिदमत का जो पढ़े लिखे आदमी के हाँ तरीका कार होना चाहिए, वो उसको अपने आप को डेवलप वैसे करना चाहिए. आप कल को अच्छी जॉब पे जाते हैं, ऑफिसर बनते हैं, तो वहां पर आपको इस्लामिक गोल्डन प्रिंसिपल को एडहेयर करते हुए इस्लाम के वजह से, अल्लाह की वजह से, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तकलीफ और एफर्ट को सामने रखते हुए उनके लिए आपको एक बेहतर माशरा तरतीब देना है. और बेहतर माशरा कब होता है, जब माशरे का एक फर्द डिसाइड करता है. जब एक फर्द बेहतर होगा तो पूरा माशरा बेहतर होगा, क्योंकि जब एक बुरा होता है तो उसको देख के बाकी बुरे होते हैं. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.